हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड, आज फिर एक नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे 660 वाट का सोलर सिस्टम है उसकी फ्रेंड शाम को 5:30 बजे परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, कितने एम्पियर देगा। क्योंकि अभी क्या है फ्रेंड, अभी करंट में फरवरी का महीना चल रहा है और आज 10 फरवरी है। तो फ्रेंड, मौसम काफ़ी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, विंटर से समर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो फ्रेंड, इस मौसम में जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कितने एम्पियर देता है और कितने वोल्टेज देगा, सब कुछ इसकी परफॉर्मेंस और कितनी बैटरी चार्ज करता है सुबह से लेकर शाम तक, सबको डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सूरज लगभग ढलने लगा है क्योंकि शाम के 5:30 बज चुके हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड, जो हमारे सोलर पैनल है, जो कि 4 सोलर पैनल है, प्रत्येक पैनल 165 वाट का है। तो फ्रेंड, इस प्रकार जो हमारा टोटल सोलर सिस्टम है वो 660 वाट का सोलर सिस्टम है। और फ्रेंड, जो हमारा प्रत्येक पैनल है वो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल जम रही है। और फ्रेंड, ये सारे पैनल हमारे पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल है, टोटल 4 सोलर पैनल है और हमने कोई भी स्टैंड यूज़ नहीं किया है। इनको लगभग 10 से 15 डिग्री के एंगल पे लगाया हुआ है क्योंकि फ्रेंड हम अभी इनकी हम सफाई भी करेंगे संडे को। तो फ्रेंड देखिए, टाइम हो गया लगभग शाम के 5:30 बज चुके हैं। फ्रेंड देखिए, इन पैनल्स पे छाया भी आ रही है, इसके कारण इनका आउटपुट देखो कम हो रहा है। बेसिकली यही रीज़न है कि इनका आउटपुट बहुत कम आ रहा है। देखिए सारे पैनल पे छाया आ रही है, तो फ्रेंड इसके कारण इनका आउटपुट बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जब भी छाया आती है, छाया आने के बाद हमारे सोलर पैनल की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो फ्रेंड इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं एसएमयू की स्क्रीन पर और सब कुछ डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये हमारे जो ऊपर से सोलर के वायर आ रहे हैं, अभी हमने क्या थोड़ा यहाँ पे देखो सोलर के वायर लगे हुए हैं। और फ्रेंड ये UTL के SMU की सहायता से जो ये हमारा नॉर्मल इन्वर्टर है लुमिनस का Electra 1065, इसको हमने एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रखा है। और फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए जो हमारा UTL का SMU है, देखिए मेंस अभी प्रेजेंट है, बाईपास ऑफ है और सोलर स्टेटस चार्जिंग स्टेटस ऑन है और बैटरी ऑब्जर्वेशन में है, मतलब 80% से अबव चार्ज है। और सेविंग 26.6 यूनिट हम सेव कर चुके हैं क्योंकि हमने अभी रीसेट किया था फ्रेंड इसको, इसलिए। और बैटरी 13.30 वोल्ट और 2.0 एम्पियर पे है, सोलर से आ रहे 13.4 वोल्ट और 2.0 एम्पियर। मोड सेटिंग ऑटो है फ्रेंड और मेन प्रेजेंट है, बाईपास अभी ऑफ है। देखिए बैटरी चार्जिंग स्टेटस ऑब्जर्वेशन में है और सेविंग कर चुके हैं हम लगभग 212 रुपये, 26.6 यूनिट। मैक्सिमम पीवी करंट यह सपोर्ट करता है 40 एम्पियर तक। बैटरी 13.30 वोल्ट पे है और 2.0 एम्पियर अभी दिखा रहा है, सोलर से 13.4 वोल्ट और 2 एम्पियर आ रहे हैं। फ्रेंड अभी फरवरी का महीना है और आज 10 फरवरी है। तो फ्रेंड ये इसकी परफॉर्मेंस है। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड हम अभी आपको पूरी परफॉर्मेंस दिखा दी है। और यहाँ पे देखिए हमारा सोलर सिस्टम फ्रेंड ये है कि हमने एक लुमिनस का इन्वर्टर यूज़ किया Electra 1065, इसको UTL के SMU की सहायता से एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रखा है। और यहाँ पे लुमिनस की बैटरी है जो कि 150 Ah की बैटरी है।